नमस्कार, मैं जय निवास, टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं दिल्ली के करीब 13 दशक पुराने बार दिल्ली बार एसोसिएशन तिसजारी में मौजूद हूँ। सामने नव निर्वाचित पदाधिकारीगण विराजमान हैं, नसियार जी, संजीव नसियार, जो नव निर्वाचित पदाधिकारी बने हुए हैं, और इनसे जानेंगे पूरा माजरा क्या है, कैसे चुनाव हुआ और आगे इनकी दायित्व कार्य क्या है और किस तरह से अपने कार्यकाल को चलाएंगे। जी नसियार जी, धन्यवाद। श्रीनिवास जी, आप क्योंकि इस पूरे चुनाव को काफ़ी दिन से कवर कर रहे थे, आपको बहुत सारी बारीकी इस चुनाव में आपने बहुत करीब से देखी। चुनाव जनवरी 2019 में होना था, लेकिन बाई दिस वे और दैट वे ये चुनाव दिसंबर में जाके संपन्न हो पाया। 13 दिसंबर को जो चुनाव हुआ उसमें लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। उसके बाद काउंटिंग का जब रिजल्ट आया तो 14 लोगों की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसमें 14 के 14 लोगों का बहुत अच्छे मार्जिन से नई कमेटी इलेक्ट होकर आई है, जिसमें मैं प्रेसिडेंट के तौर पे बन के आया हूँ। शर्मा जी सेक्रेटरी थे, आप दोबारा फिर रिपीट होकर सेक्रेटरी के पद पे आए हैं। इसी तरीके से 14 की 14 पोस्ट जो है हमारी हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पे अनिल कुमार तोमर जी चुन के आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट पे निखिल भारद्वाज चुन के आए हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जॉनी कुमार शर्मा आए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे स्थित शर्मा आए हैं, ट्रेजरार धर्मेंद्र बसोया, और इस तरीके से 7 हमारे मेंबर एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो सभी लोग बहुत अच्छे मार्जिन से जीत कर आए हैं, और चुनाव में क्योंकि बहुत लंबा चुनाव होने की वजह से डेफिनेटली चुनाव में कोई ना कोई चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं जिस की चर्चा यहाँ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन एट द एंड जो रिज़ल्ट आया है उससे बार बहुत प्रसन्न है, बार के अंदर बहुत खुशी का माहौल है। और हम लोगों ने ये तय किया है पूरी टीम ने कि हम लोग बार के अंदर जो एक माहौल नेगेटिविटी वाला बना हुआ था उस माहौल को बदलेंगे, चाहे वो डे टू डे लेवल पे पार्किंग का इशू हो, क्योंकि वो 2 नवंबर का जो एक इंसिडेंट हमारे लिए बहुत एक नासूर के तौर पे हम उसको हमेशा ज़िंदगी में याद रखेंगे, क्योंकि वो बहुत एक बैड एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का कि अगर हमारे पास पार्किंग का स्पेस होता, पार्किंग मैनेजमेंट प्रॉपर होती तो शायद वो इंसिडेंट नहीं होता। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद हम लोगों को क्या अपने लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार करना चाहिए उसको हमने टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। हम लोगों को हमारे लाइब्रेरी बेहतर हों, हमारे मेंबर्स जो अपने बार रूम्स में बैठते हैं वो बेहतरीन तरीके से वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको अवेल कर पाएँ, उन सब चीज़ों को हमने टॉप एजेंडे पर रखे। और सेक्रेटरी साहब आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि हमने कैसे कैसे प्रायोरिटीज़ तय की हैं। ये थे हमारे साथ नवनियुक्त नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट संजीव नसियार जी। आप बने रहें, अगले इंटरव्यू के लिए आपको लिए चलते हैं। टाइम्स लाइव इंडिया से जय निवास की यह रिपोर्ट।